तो ये है मेरी YouTube इनकम। तो फाइनली Q&A वीडियो आ चुके, इनकम भी बताइए एंड तक देखना। तो मैं हूँ चमन, पूरा नाम ले नहीं सकता। तो पहला सवाल, मैं रहता कहाँ पर हूँ? तो आप बार बार पूछते थे ना मैं कहाँ रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ। इसके बाद मेरे से कोई पूछ मत लेना कि मैं कहाँ रहता हूँ। चमन भैया इनकम बताओ, इनकम पे थे सबको बही जाननी है। अबे रुक जा, वो भी बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। तो आपका दूसरा सवाल, मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करा था? पढ़ाई तो छोड़ी दी है राजकुमार ने, फीस दिलवा दो, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस। ज्यादा मत चिल्लाओ, तौलिया खुल जाएगा। हंसी आ रही है तुझे? कल एक आदमी बाहर बोल रहा था आप ही का लड़का कैसी कैसी वीडियो बनाता है। पापा वो वीडियो बनाना अच्छा लगता है। क्या बोला? इस थप्पड़ के बाद मुझे पता चला घर वालों से ज्यादा हरामी बाहर वाले होते हैं। ये घूर तो ऐसे रहते जैसे मैंने इनके हिस्से की जायदाद बेच दी हो। फिर मुझे प्यार से लात मारकर यहाँ से बेदखल करा गया। निकल जा यहाँ से। फिर यहाँ से मुझे पता चलता है कि अब से मुझे छुपकर वीडियो बनानी पड़ेगी। पापा वो पहले जाकर वीडियो बनाना बंद करिए। इनको लगा मैं घर में आने की भीख मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ और ही बोलना था। आपका तौलिया खुल गया। तो देखा आपने पहले मेरे साथ क्या क्या होता था, आप दिखा दो 4 मिलियन और पेमेंट आने के बाद क्या होता है। हाँ हाँ इन्हीं का बेटा है। अरे इन्हीं का बेटा है जो वीडियो बना के पैसे कमा रहा है। हाँ हाँ इन्हीं का बेटा है। हाँ हाँ मेरा ही बेटा है। हाँ अब कुछ ऐसा हाल है चमन भाई, यार इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक कर लेना, तेरा सही चल रहा है यार। अब ऐसा हाल है। तो आपका तीसरा सवाल, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी है? पर सुन, फूल भी खराब कर दिए। ट्यून चेंज है मामा। भाई तू ये एक सेटिंग करा दे। ये घूर तो ऐसे रहा था जैसे आईफोन के लिए किडनी मांग ली हो मैंने। पहला झटका, दूसरा झटका और ये तीसरा झटका। इतने रिजेक्शन के बाद मैंने उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ये कौन है? ए, सुन 4 मिलियन है यूट्यूब पर। अबे कहाँ जा रहा है, पहले वीडियो तो बना ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। आपका पांचवा सवाल, मेरे कच्चे का ब्रांड और कलर क्या है? अबे कच्चा दिखाने को बोलेंगे तो तू कच्चा दिखा देगा क्या? जा यहाँ से। अब सबसे जरूरी सवाल, मेरी इनकम क्या है, कितना कमाता हूँ? कितने आ रहे हैं, कितने आ जाते हैं? अरे कितना कमा लेते हो? तो आइए चलिए बताते हैं। वैसे तो पापा बोलते पैसे बताने से नजर लग जाती है, लेकिन आप लोग पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे 50,000 बिस्किट खरीद सकता हूँ हर महीने, हिसाब लगा लेना। रुको रुको अभी जाना मत, मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है। किसी ने मेरे से पूछा था क्या आप मेरे से शादी करोगे, तो इसका जवाब लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है, जा रहा हूँ शादी करने।